बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की वीडियो का मज़मून है अच्छे और बुरे और बेतुके ख्वाब और क्या ये ख्वाब किसी को बताने चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे ख्वाब किसी को बताएं या नहीं। सही अल बुखारी शरीफ की एक हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब कोई अच्छा ख्वाब देखे तो इस पर अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करे और अपने महबूब लोगों के सिवा किसी को ना बताए और कहे, ए अल्लाह, मैं आपसे अच्छे सच्चे ख्वाब का जो झूठा ना हो, नफा बख्श हो, नुकसान दे ना हो, सवाल करता हूँ या करती हूँ। और जिसके सामने ख्वाब बयान किया जाए, किताब इब्ने अल सुन्नी में रवायत है कि जब कोई बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करता, या नबी अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरन रुआईतु खैरन यकूनु, तर्जमा, तूने भलाई देखी भलाई होगी। अब हम बात करेंगे बुरा ख्वाब देखें तो क्या करें। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि बुरा ख्वाब आए तो तीन दफ़ा अपनी बाई तरफ थूके शैतान और अपने इस ख्वाब की बुराई से तीन दफ़ा अल्लाह की पनाह मांगे और ये ख्वाब किसी को ना सुनाए। जिस पहलू लेटा हो इसे बदल दे। सही मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है कि अगर चाहे तो उठकर नमाज पढ़े। किताब इब्ने अल सुन्नी की रवायत है कि जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो बाई जानब तीन मरतबा थूक कर ये दुआ मांगे, ए अल्लाह करीम, मैं शैतान के अमल और मकरूह ख्वाबों की बुराइयों से तेरी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। अब हम बात करेंगे बेतुके यानी शैतानी ख्वाब देखें तो क्या करें। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि ख्वाब में आदमी के साथ कभी औरत कभी लड़का या कभी कोई जानवर बनकर शैतान के खेलने को बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शैतान के साथ ख्वाब में खेलने को हरगिज़ बयान ना करे, इससे फहाशी फैलती है और शैतान खुश होता है। और ये दुआ मांगे, मैं ख्वाब की तकलीफी बातों से जिसका ताल्लुक दीनों दुनिया से हो पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। ऐसी चीज़ें जिनसे मलाइका खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ख्वाब का सुबह के वक़्त बयान करना मुस्तहिब है और रात के वक़्त बयान करना मकरूह है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।